हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइट बल्ब के रिगार्डिंग तीन ऐसे चीज़ें बताऊंगा जिसके बारे में आपको पहले पता नहीं होगा। पहला तो लाइट बल्ब की वर्किंग, सेकंड उसके हिस्ट्री के बारे में, और थर्ड हम बात करेंगे उसके पेटेंट राइट्स के बारे में। दोस्तों, आपने अपने क्लास में या फिर अपने क्विजेस या क्वेश्चन आंसर्स या फिर टीचर के मुंह से आर्टिकल, न्यूज़पेपर या जितने भी बुक्स हैं, आपने हर जगह पढ़ा होगा कि लाइट बल्ब वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय थॉमस अल्वा एडिसन। लेकिन ये बात आधी ही सच्ची है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उससे पहले भी काफ़ी सारे साइंटिस्टों ने लाइट बल्ब के ऊपर काम किया था और उनके नाम पे पेटेंट राइट्स थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि थॉमस अल्वा एडिसन को ये पेटेंट राइट्स मिला, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट बल्ब के वर्किंग के बारे में। तो लाइट बल्ब जो है वो सिंपल वर्क करता है, जैसा कि कोई फिलामेंट से हम अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वहाँ का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेगा। न्यूक्लियस जब एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, और ऑर्बिट में रिवॉल्व करने की वजह से ये होगा कि वे अपने लोअर ऑर्बिट में कोलैप्स हो जाएंगे। इस वजह से जो फोटॉन्स हैं वहाँ से इमिट करेगा। अगर फोटॉन्स इमिट हुआ मतलब कि लाइट बल्ब जल गया। तो ये बात हो गया उसकी वर्किंग की। अब हम सेकंड एस्पेक्ट देखते हैं उसके हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, ये कहानी चालू होती है आज से बहुत साल पहले 1800 में। 1800 में अलेक्जेंड्रा वोल्टा नाम के एक साइंटिस्ट ने बैटरी का इन्वेंशन किया। हालांकि बैटरी के बाद ही लाइट बल्ब का इन्वेंशन और उस पर काम करना चालू हो गया। दोस्तों, 1802 में फिर हैम्फ्री डेवी आए। हैम्फ्री डेवी ने 1800 में जो वोल्टा ने बैटरी बनाया था उससे कार्बन रॉड्स को कनेक्ट कर दिया। कार्बन रॉड्स को कनेक्ट करने की वजह से वहाँ पे कुछ स्पार्किंग हुई और एक आग टाइप से वहाँ पे लाइट निकला। तो इसे उन्होंने आर्क लैम्प करके एक नाम दिया। लेकिन दोस्तों, ये काफ़ी डेंजरस था ऐसा इसीलिए क्योंकि इसको जो कार्बन रॉड्स लगते थे उन्हें बार बार चेंज करना पड़ जाता था, और इसमें से अल्ट्रावायलेट रेस रिलीज होते थे और इससे हिस की साउंड आती थी कुछ इस टाइप से। उसके बाद दोस्तों, इसके डिसएडवांटेज को देखते हुए फिर दोस्तों 1831 में एक और साइंटिस्ट आए इंग्लैंड के। उनका नाम था फ्रेडरिक डी मॉलिन्स। इन्होंने चारकोल पाउडर और फिलामेंट को प्लेटिनियम से बनाया। इस वजह से उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो थोड़ी बढ़ गई। लेकिन दोस्तों, प्लेटिनियम हालांकि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट होता था, इस वजह से उस समय के काफ़ी सारे लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इस वजह से इसको कमर्शियली प्रोड्यूस नहीं किया गया। उसके बाद इसके डिसएडवांटेज को देखते हुए 1840 में एक और एक ब्रिटिश के साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वॉरेन डी लॉरा। वॉरेन डी लॉरा ने एक ऐसा प्लेटिनियम का फिलामेंट बनाया जिसको उन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब में डाल दिया। वैक्यूम ट्यूब में डालने की वजह से उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि जो प्लेटिनियम है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से वो जल्दी मेल्ट नहीं होगा हीटिंग इशू के कारण, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन नहीं होगा प्लेटिनियम के साथ कोई अदर मॉलिक्यूल्स का। इस वजह से इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बढ़ गई। लेकिन दोस्तों, आपको पता ही है प्लेटिनियम काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव एलिमेंट था, उस वजह से इसको कमर्शियली अवेलेबल नहीं कराया गया मार्केट में। उसके बाद ये सारे बातों को ध्यान में रखते हुए 1850 में एक साइंटिस्ट आए। ये इस कहानी के, स्टोरी के काफ़ी मेन साइंटिस्ट हैं, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। 1850 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जोसेफ स्वान। जोसेफ स्वान ने क्या किया, उन्होंने जो वैक्यूम ट्यूब बनाया था जो वॉरेन ने, उसी वैक्यूम ट्यूब में प्लेटिनियम के जगह उन्होंने कार्बन फिलामेंट को यूज़ किया। कार्बन फिलामेंट को यूज़ करने की वजह से उसका जो कॉस्ट था वो काफ़ी कम हो गया। कॉस्ट काफ़ी कम होने की वजह से इसको मार्केट में हम अवेलेबल करा सकते थे, लेकिन इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी कम हो गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो कार्बन रॉड्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थिक थे। तो ये सारे डिसएडवांटेज और हो रहे थे। इस वजह से जो 1860 से 1870 के बीच में जो था टाइम पीरियड, उस बीच में जोसेफ स्वान ने काफ़ी ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट करने का कोशिश किया। हालांकि उस समय वैक्यूम करने के लिए कुछ ऐसा स्पेशल इक्विपमेंट नहीं था, कुछ ऐसा टूल्स नहीं था, इस वजह से फुल्ली वैक्यूम ट्यूब्स बनाना इम्पॉसिबल टास्क माना जा रहा था। इसीलिए 1874 में एक और कलीग्स ने, कैनेडियन वाले ने, एक पेटेंट राइट ले लिया। पेटेंट राइट उन्होंने ये लिया कि उन्होंने जो वैक्यूम ट्यूब था उसमें नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया। नाइट्रोजन गैस का उपयोग करने के वजह से जो इल्यूमिनेशन पावर था लाइट बल्ब का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल अवेलेबल हो रहा था। लेकिन एडिसन, तो भाई एडिसन है, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा था यूरोप में, इस वजह से उन्होंने वो पेटेंट राइट को ख़रीद लिया अपने लिए। और उसके
बाद उन्होंने 3000 डिफरेंट डिज़ाइन बनाए अलग अलग एलिमेंट्स के साथ। उन्होंने डिसएडवांटेज को देखा, डिसएडवांटेज क्या क्या थे, पहला तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा कमर्शियल अवेलेबल अवेबिलिटी, और तीसरा था कि वो काफ़ी लो कॉस्ट हो, मतलब हर कोई उसे अफोर्ड कर सके। इस वजह से ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जोसेफ श्वान के जो डिज़ाइन था उसको क्या किया, उसमें थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने जो कार्बन रॉड्स थे उसको पतले पतले करके एक फुल्ली वैक्यूम क्रिएट कर दिया, उन्होंने एक डिवाइस की मदद से वैक्यूम क्रिएट कर दिया और वहाँ पे उन्होंने कार्बन रॉड से फिलामेंट को डाला और फिर लाइट बल्ब कमर्शियली सब जगह अवेलेबल हो गया। लेकिन जो अपने स्वान थे उन्होंने 1860 से 1870 के बीच में अपने जो डिज़ाइंस थे उनको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ किया और मार्केट में बेचने लगे इंग्लैंड में। लेकिन दोस्तों एडिसन ने उनके ऊपर केस कर दिया पेटेंट इंसेप्शन का। पेटेंट इंसेप्शन एक ऐसा केस था जिन्होंने मतलब एडिसन के पेटेंट राइट का दुरुपयोग किया, इस टाइप से कुछ उन्होंने केस कर दिया। लेकिन दोस्तों इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा दबदबा था स्वान का, इस वजह से एडिसन को भी हार मानना पड़ा और दोनों ने एक कमेटी बनाई और दोनों ने साथ में जॉइंट कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था एडिसन। उसके बाद एडिसन काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, बहुत ज़्यादा चलने लगा इसके लाइट बल्ब, और जो पहला लाइट बल्ब था वो 600 घंटे तक जला और इसकी सभी डिसएडवांटेज जो थे उनको सब इन्होंने कंप्लीट कर दिया, जैसे कि कॉस्ट इसका काफ़ी कम रखा और इसका लाइफ टाइम काफ़ी बढ़ा दिया, और तीसरा चीज़ ये इजीली अवेलेबल हो और इसको हर कोई यूज़ कर सके, तीन चीज़ इन्होंने पॉसिबल की। उसके बाद से हंगरी के कुछ एक ऐसे कंपनी थे जिन्होंने जो वैक्यूम ट्यूब था उसके अंदर कुछ इनर्ट गैस प्रयोग करने लगे 1880 के आसपास तक, उसमें इनर्ट गैस प्रयोग करने लगे और फिर जो फिलामेंट था वो टंगस्टन से बनाने लगे, जिस वजह से जो एमिटिंग पावर लाइट बल्ब का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और इस वजह से जो वो कंपनी थे वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल रहे थे। इस वजह से एडिसन ने ध्यान रखते हुए वो सारे कंपनी के जो पेटेंट राइट थे उन्हें भी खरीद लिया और एडिसन को ही हम लाइट बल्ब का इन्वेंटर मानते हैं। लेकिन ये दोस्तों काफ़ी गलत है, जिसमें से 1000 इन्वेंशन उनके नाम पे हैं वो सारे पेटेंट राइट, उनमें लगभग 500 पेटेंट राइट उन्होंने या तो खरीद लिए या फिर वो जो असली उसके इन्वेंटर हैं वो उसे मार्केट में नहीं ला पा रहे थे तो उन्होंने एडिसन को बेच दिया। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी कड़वी सच्चाई है लेकिन इसको आप सभी को जानना पड़ेगा। हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ पे एडिसन के लास्ट सांस को स्टोर करके रखा गया, लेकिन निकोलस टेस्ला जो कि अल्टरनेटिंग करंट के इतने बड़े इन्वेंटर थे उनके मृत्यु के इन्वेस्टिगेशन को आज तक पता नहीं लगा पाए कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वे सारे अपने ये जो वीडियो है, मैं काफ़ी नहीं बोलता हूँ लेकिन ये वीडियो के अपने सारे जूनियर्स को, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, सबको भेजें। अगर आप कोई एम्प्लॉई हैं, इंजीनियर हैं, तो अपने ऑफिस वालों को या फिर अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। हालांकि मुझे पता है ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।